नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया विद के में। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं ओप्पो के सब ब्रांड रियलमी के नए स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों आपने थंबनेल टॉपिक टाइटल में देख लिया है और मैं बता दूं आज मैं बात करने वाला हूं रियलमी 3 प्रो के बारे में। दोस्तों नीट ब्लू कलर में जो कि फ्लिपकार्ट पर उसे वहाँ पर पिन कर दिया गया है, वहाँ पर लगा दिया गया है और 29 अप्रैल दोपहर को ये मिलने वाला है। तो दोस्तों फटाफट से जाके नोटिफाई मी कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, धैर्य रखें, लास्ट तक देखें पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के हाइलाइट्स के बारे में। दोस्तों अभी जो हवाबाजी चल रही है, जो बातें चल रही है न्यूज़पेपर में, 64 मेगापिक्सल कैमरा। खास बात तो ये है कि रियल में ये 64 मेगापिक्सल कैमरा है नहीं, जो कि 64 मेगापिक्सल का आपको रिजोल्यूशन मिलने वाला है। चलिए कुछ मोटी मोटी हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। वो है सबसे पहले ले लेते हैं हम रैम के बारे में। दोस्तों जो आपको 13,999 में जो फ़ोन मिलने वाला है, जो स्मार्टफोन जिसे वहाँ पर ऐड कर लिया है फ्लिपकार्ट पर सेल के लिए, जो कि 29 तारीख को आएगा। तो दोस्तों इसकी रैम की बात करें तो यहाँ पर 4 GB रैम के साथ में आपको 64 GB इंटरनल मिलेगी। इसके साथ ही अगर देखें तो इसमें एक्सपेंड मेमोरी आप कर सकते हैं 256 GB की। अगर बात करें स्क्रीन की, जो डिस्प्ले की बात करें, तो यहाँ पर 6.3 इंच की आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाली है। इसके बाद में अगर बात करें कैमरे की, तो कैमरे में आपको बैक साइड में मिलेगा दो कैमरे मिलेंगे, जिसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है। इसकी डिटेल बात आप अब आगे भी करेंगे। इसके साथ ही अगर फ्रंट के कैमरे में आप बात करेंगे तो 25 मेगापिक्सल का AI कैमरा आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही अगर बात करें बैटरी की, तो बैटरी में आपको मिलेगा 4045 mAh का बैटरी बैकअप, जो कि काफ़ी अच्छा है। हालांकि सभी फ़ोनों में अब बैटरी के बारे में कंपनियां सोचने लग गई है। इसके साथ ही एक खास फीचर मिलने वाला है आपको वूक चार्ज, जो कि 30 मिनट के अंदर 50% आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा। दोस्तों बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का आपको 710 यानी कि 710 ऑक्टाकोर 2.2 GHz स्पीड वाला AIE प्रोसेसर आपको मिलने वाला है। दोस्तों इसमें सिम कार्ड स्लॉट की बात करें तो आपको दो नैनो सिम कार्ड स्लॉट मिलेंगे, इसके साथ ही एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलेगा। इसके साथ ही अगर बात कर लेते हैं हम इन सारे हाइलाइट्स के डिटेल्स में, तो सबसे पहले चलते हैं हम कैमरे के बारे में। कैमरे के अंदर सेल्फी कैमरा आपको मिल रहा है 25 मेगापिक्सल का और 4-in-1 सुपर पिक्सल टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसके अंदर आपको पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाएगा, जो कि आपके बैकग्राउंड को ब्लर करने में काफ़ी बेहतर हो सकता है। दोस्तों ये फ़ोन आने के बाद ही इसके रिव्यू आप जान पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। मैं इसके डिटेल्ड बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपको मिलने वाला क्या क्या है। दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपको बैक साइड में मिलेंगे यानी कि रियर में 16 और 5 मेगापिक्सल के कैमरे। और इसके साथ ही खास बात यह है कि सोनी का इसमें सेंसर आपको मिलने वाला है IMX519, जो कि सोनी के सेंसर काफ़ी अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से फ़ोनों की कैमरों की जो खास बात इसमें ये बताई है कि 60 हाई रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। इसके साथ ही आपको अल्ट्रा HD फोटो 64 MP में मिलेंगे। इसके साथ ही आप कमांड यूज़ कर सकते हैं, कमांड के साथ ये वर्क करेगा। दोस्तों अगर इसमें देखें तो फोटोग्राफी के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन बताया जा रहा है। अब मार्केट में आने के बाद में लोग बताएंगे इसके बारे में कि वाकई किस तरह की ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो किस तरह से बेहतर है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर, वो है वूक फ्लैश चार्ज 3.0। ये क्या है? दोस्तों वूक चार्जिंग ओप्पो ने, जो ओप्पो का सब ब्रांड रियलमी है और ओप्पो ने ये जो चार्जिंग का एक नया जो टेक्नोलॉजी ईजाद की है, जिसे कहते हैं वूक फ्लैश चार्ज, यानी कि इसके अंदर आप बहुत ही कम समय में यानी कि 30 मिनट के अंदर आप 50% बैटरी को जल्दी से चार्ज कर पाएंगे। तो ऐसा बताया जाता है कि 30 मिनट में आपका जो स्मार्टफोन है वो 50% चार्ज हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, जो कि
इसके अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जिसमें फ़ोन फास्ट चार्जिंग के साथ गर्म भी नहीं होगा और आप फ़ोन को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे मल्टीटास्किंग में। इसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और मिलता है, वो है हाई कैपेसिटी बैटरी, यानी कि 4045 mAh की बैटरी, काफ़ी बिग बैटरी है, यानी कि इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है और इसके साथ ही बुक चार्ज मिल रहा है। दोस्तों बुक चार्ज के साथ में बैटरी जो बड़ी मिल रही है वो एक फ़ायदेमंद है, क्योंकि आजकल के समय में छोटी बैटरियों का बैकअप एक दिन से कम यानी कि 6 घंटे से कम बैकअप वाले स्मार्टफोन को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। तो कंपनी ने इस पर भी आप देख सकते हैं ध्यान दिया है। थोड़ा सा देखें तो 1294 मिनट का इसमें म्यूज़िक प्लेबैक बताया है, इसके साथ ही 100 मिनट का आपको वीडियो प्लेबैक का बैकअप बताया है इस बैटरी का, इसके साथ ही 71 मिनट का आपको गेमिंग का जो बैकअप बताया है, इसके साथ ही 328 यानी कि 328 मिनट का आपको कॉलिंग का बैकअप मिलेगा। तो दोस्तों ये थी बैटरी की बात, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन में आपको 710 AIE प्रोसेसर मिलने वाला है और 6 GB के साथ में इसका जो मल्टीटास्किंग और जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है बताया जा रहा है कंपनी की तरफ से। इसके अंदर देखें तो एड्रीनो GPU यूज़ किया गया है जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी बेहतर बताया गया है। तो दोस्तों इस GPU के साथ में गेमिंग एक्सपीरियंस आप अच्छा कर सकेंगे और इस कंपनी के बारे में दिस इज़ नॉट प्रमोशनल वीडियो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी इतने नहीं हैं, तो आप ये प्रमोशनल या सिर्फ तारीफ़ें ना बताएं, मतलब ना समझें। और साथ में मैं बताऊं कि ये एक डिटेल्ड में इस फ़ोन के बारे में जो आज ही लॉन्च किया गया है जिसे मैं आप लोगों को जानकारी देने के हिसाब से बता रहा हूं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था प्रोसेसर की जो कि बेहतर है और GPU इसमें दे रखा है जो गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों इसके साथ ही एक अगले पॉइंट पर चलते हैं, वो है 960fps सुपर सोलो मोड जो वीडियो है इसके अंदर, वीडियो के अंदर ये चीज़ बताई है कि 32 गुना तक अपने जो वीडियो को आप स्लोअर करके डिटेल्ड देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब स्लो मोशन के जो फीचर्स है अभी जो बहुत सारी कंपनियों में ये फीचर मिलने लग गया है, अगर देखें तो यहाँ पर आप एक एक चीज़ को क्लियरली गौर से देख पाएंगे जो कि सामान्य से 32 गुना स्लोअर वीडियो आप देख पाएंगे। इसके साथ ही इसमें आपको मिलेगा जो कलर OS है इसके अंदर 6.0 जो कि एंड्रॉयड पाई पर आधारित है। इसके साथ ही आपको इसमें फास्ट, क्लीन और यूज़र फ्रेंडली, सिंपल यूज़र फ्रेंडली आपको इंटरफेस मिलेगा इसके अंदर। और इसके साथ ही अगर देखें तो यहाँ पर आपको हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि हाइपर बूस्ट 2.0 फ्लैगशिप गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है जो कि पहले नहीं था जो इस फ़ोन में आपको दिया जा रहा है। तो खास करके बात करें तो यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस में आपको जो रेस्पॉन्स रेट है वो बहुत ही अच्छी मिलेगी, यानी कि आप जब भी गेम खेलते हैं तब आपकी जो टच और रेस्पॉन्स की रेट काफ़ी अच्छी हो सकती है इस फ़ोन के अंदर। इसके साथ ही गुणवत्ता, ड्यूरेबिलिटी और कितना चलेगा इस बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा टेस्ट किया गया है, 10,000 बार इसे गिराया गया है, 10,000 बार इसके USB को टेस्ट किया गया है, इसके साथ ही 10,000 बार बटन को टेस्ट किया गया है। इसको बताया जाता है कि ये स्वेट और इसके साथ स्प्लैश एंड डस्ट प्रूफ, शटर रेजिस्टेंट यानी कि बिल्कुल चकनाचूर होने गिरते ही टूटने वाला नहीं है, इस तरह से इसे बताया गया है। तो दोस्तों इससे संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है, अगर इससे संबंधित आपके कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करना और दोस्तों को शेयर कर देना। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।